बांदा में सुबह से किसान खाद को लेकर सहकारी समिति में हजारों की संख्या में लाइन में लगे हैं। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक के द्वारा प्रति किसान को एक बोरी निर्देशित किया और संबंधित अधिकारी से बात करके दो ट्रक और खाद मंगवाने की मांग की है। पूरा मामला बबेरू कस्बे के बांदा रोड मध्य किसान सेवा सहकारी समिति का है, जहां पर किसानों को खाद के लिए सुबह से ही लाइन पर खड़ा होना पड़ रहा है। खाद ना मिलने के कारण किसान मायूस होकर घर लौट जाते हैं। आज सुबह से ही हजारों की संख्या में किसान खाद लेने के लिए लाइन पर खड़े हुए हैं, जिससे किसानों के द्वारा खाद के लिए मारामारी करना पड़ रहा है। वहीं मौजूद महिला किसान व पुरुष किसानों के द्वारा केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विशंभर सिंह यादव, मध्य किसान सहकारी समिति के सचिव को कड़ी फटकार लगाई गई है। वहीं पुलिस कांस्टेबल को बुलाकर किसानों की लाइन लगवाई गई। एक एक बोरी प्रति किसानों को दिलवाने जाने के लिए निर्देशित किया गया है। एक ट्रक खाद आई है, जिसमें से 480 बोरी खाद थी और किसानों की हजारों की संख्या में थी, जिससे पूर्व विधायक विशंभर सिंह यादव के द्वारा अधिकारियों से बात करके दो ट्रक और खाद भेजने के लिए कहा है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव मंगल सिंह चौहान, जीपी सिंह पटेल, इंद्रपाल यादव, अखिलेश पाल, चूड़ामणि यादव, अनूप गुप्ता, हरीश पांडे, अतुल यादव सहित हजारों किसान मौजूद रहे। देखिए, जो सरकार है इस समय प्रदेश में और देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो किसान विरोधी सरकार है। एक साल तक किसान आंदोलन करता रहा, पड़ा रहा किसान दिल्ली को घेर करके, लेकिन जब चुनाव आए उत्तर प्रदेश के और पंजाब के, पांच राज्यों के, तब उस कानून को वापस लिया। जब उनको ये लगा कि किसान हमारे खिलाफ है, बिल्कुल किसान हमको हरा देंगे, इसलिए वो कृषि कानून वापस लिए हैं। किसानों के मुँह से तो कहते हैं कि आज दुगनी करेंगे, लेकिन आज हम बबेरू मध्य सहकारी समिति में खड़े हुए हैं। यहाँ हजारों की तादाद में किसान यूरिया लेने के लिए आया है। डीएपी भी इनको नहीं मिली ठीक से, और आज यूरिया की जरूरत है अपने खेत में। ये पानी लगा चुके हैं और इन्हें खाद छिड़कनी है, लेकिन नहीं दे पा रही है सरकार। ये किसान विरोधी सरकार है, योगी किसान विरोधी है, मोदी किसान विरोधी है, ये किसानों के दुश्मन लोग सरकार में आ गए हैं। इनको इस चुनाव में, जो 3 महीने के भीतर चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में उखाड़ फेंकेगी जनता और इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जो कागज के फूल हैं, जिनमें न खुशबू है न किसी काम के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान विरोधी हैं, खाद तक नहीं दे पा रहे। खाद के लिए तो खाद नहीं मिला है क्या? नहीं मिल रही, कई दिन से लौट जाते हैं। कब से आ रही है यहाँ खाद? 8-10 दिन से आते हैं। आवाज सुबह टाइम से 4 बजे आ गए हैं। सवेरे 4 बजे से खड़ी? हाँ, अकेले आए हैं पैदल। क्या नाम है आपका? शरणी। हम सब लोग इतनी संख्या में खाद के लिए खड़े हैं, खाद नहीं हम लोगों को मिल पा रही। सारे किसान यहाँ पर मौजूद है, हाजिर है। 2-3 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B-Pharma, M-Pharma, BSc, B-Tech, M-Tech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.